अजू, थैंक यू सो मच। जो तुमने दुर्गा भाभी की वेडिंग ड्रेस बनाई है वो उन्हें परफेक्टली फिट आई है। देखना ये है कि मेरी ड्रेस कैसी दिखती है। सो जस्ट गेट माय ड्रेस इन ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल। ओके बाय। ये आउटहाउस की लाइट ऑन क्यों है? ये आउटहाउस तो कितने सालों से बंद पड़ा है। जब से नित्या और पायल यहाँ से गए हैं तब से मॉम ने इस आउटहाउस को लॉक्ड करा के रखा है। एंड नो वन सपोज्ड टू गो इनसाइड। कौन सकता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो कंगना? तुम्हें मैंने क्लियरली बोला था ना इस तरफ नहीं आने। But mom, what you were doing inside? मुझसे इतने सवाल मत करो कंगना, क्योंकि जरूरी नहीं मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। नो वन एंड आई मीन नो वन, किसी को भी मेरी परमिशन के बगैर यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ओके बेटा? ओके मॉम। अब इन तस्वीरों को क्यों देख रही है बेटा? उन चेहरों को देख रही हूँ पापा, जिन्होंने मुझे आज इस दिन तक पहुंचाया है। कल में से कई चेहरे मेरे सामने होंगे। करण, ऋषि, तरुण, शौर्य के बेस्ट फ्रेंड्स और पायल के गुनेगार, वो लोग जिन्होंने एक बार भी मेरे परिवार को तबाह करने से पहले नहीं सोचा, कल सब मेरे सामने होंगे बाबा। सबकी बारी आएगी बेटा, तू एक एक करके सबका हिसाब चुकता करेगी और एक एक करके मैं यहां पर उनकी इन तस्वीरों पे रेड क्रॉस लगाऊंगा। लेकिन ये तो पायल के जन्मदिन से पहले नहीं, अपने यानी नित्या के जन्मदिन से पहले कंप्लीट करेगी। लेकिन बाबा मैं कैसे? बेटा तू सोच, पायल के जन्मदिन पर जब उसकी बहन नित्या उसके सामने खड़ी होगी तो इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा उसके लिए क्या हो सकता है? और ये तभी होगा जब तू उसके जन्मदिन से पहले उसके गुनहगारों को सजा दिलाएगी। प्रॉमिस मी बेटा। प्रॉमिस यू बाबा। कल के बाद मैं इस घर में एकदम अकेला हो जाऊंगा। ये कमरा ही मुझे तेरे होने का एहसास दिलाएगा। जब मैं अकेला पढ़ूंगा तो मैं यहां चला आऊंगा, और जब कमजोर महसूस करूंगा अपने आप को तो ताकत जुटाने यहां आऊंगा। ये कंगन अपनी बेटी दुर्गा के लिए उसकी शादी वो तो नहीं पहन सके, लेकिन अगर तू पहनेगी तो मुझे लगेगा उसने पहन लिए। नहीं बाबा, ये उसकी अमानत है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुझ पर इतना भी हक नहीं है मेरा? अरे उसका नाम उसका चेहरा तुझे दे दिया तो ये कंगन मैं अपने पास रख के क्या कर लूंगा बेटा? शायद इस जन्म में ही रिश्ता पूरा हो जाए।
पूरा ना निभा सकूं बाबा, लेकिन अभी लाजना, आई प्रॉमिस यू, आपकी बेटी बनकर लूंगी। ब्लेस यू बेटा, ईश्वर सबको तेरे जैसी बेटी दे, और ये कंगन तेरे हाथ में तेरा कवच बन के तेरी रक्षा करेंगे बेटा, तेरी जंग में तुझे हारने नहीं देंगे। राज, दिस इज ब्यूटिफुल। गलत आदत डाल रहे हो तुम, यू स्पॉइलिंग मी राज। क्या करता है स्वीटहार्ट? जैसे ही मैंने ये हार देखा, तुम्हारी शक्ल मेरे आंखों के सामने आ गई, और समझो जैसे ये हार मुझसे कहने लगा कि मैं रायमा की गले के लिए बना हूं। काश मैं ये हार खुद अपने हाथों से तुम्हें पहना सकता था। काश, और फिर मैं तुम्हें अपने अंदाज में थैंक यू बोलती। रियली? दीदी, I'll call you back. Everything all right? Nothing that I can't handle. मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। Naima, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अब खड़े खड़े मुझे घूर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि 2 महीने से तुमने मुझे आलमनी के पैसे नहीं दिए। You know what? You're just useless. तो क्या हुआ? डायमंड नेकलेस तो तुम्हें मिल ही रहे हैं ना, पहन ही रही हो, किसके पैसे से आ रहा है ये सब कुछ? That is none of your business. And now, just get out. वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। That's okay. जा रहा हूं मैं यहां से, लेकिन जल्दी मिलेंगे, याद रखना। से कुछ मांगने नहीं आया हूं, और ना ही मैं आपसे कोई उम्मीद रखता हूं, और अब शायद मैं यही मानता हूं कि आप एक पत्थर की मूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर ना आप मेरी नित्या को इस तरह से दुखी नहीं करती, उसे मुझसे दूर नहीं करती। नित्या तो आपकी बहुत बड़ी भक्त थी ना, इतनी बड़ी भक्त थी, अगर आज वो मुझे इस तरह से आपसे बात करते हुए देख रही तो शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करती। फिर क्या किया आपने अपने भक्त के साथ? क्या आशीर्वाद दिया आपने? जो कुछ भी था उसका अपना वो तक छीन लिया आपने। आज मैं सिर्फ अपना फैसला सुनाने आया। आज रात शादी होने तक अगर नित्या के जिंदा होने का यकीन या कोई सबूत नहीं दिया आपने, तो मैं आज के बाद आपके मंदिर में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। शादी होने तक का समय है आपके पास, अपने आप को भगवान साबित करने के लिए। मैं जानती हूँ पाया, तू मुझे सुन भी सकती है और समझ भी सकती है। आज जो मैं करने जा रही हूँ उस बारे में कल दुनिया क्या सोचेगी, क्या समझेगी,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तू सिर्फ एक बार मुझे कह दे कि मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं, मेरे कदमों को सहारा मिल जाएगा। झूठ मोटी से, लेकिन मैं उस दरिंदे के साथ शादी करने जा रही हूं जिसने आज तेरा ये हाल किया है। बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूं मैं पायल, पर मैं जानती हूं तू मुझे माफ कर देगी। एक इशारा पायल, बस एक इशारा कर दे, दुल्हन बनकर तैयार बैठी हूं तेरे सामने, पर आखिरी कदम लेने में मेरी हिम्मत कम पड़ रही है। मुझे थोड़ा सा हौसला दे दे पायल, मुझे उसकी बहुत जरूरत है, प्लीज पायल। थैंक यू सो मच पायल, मैं समझ गई तू मेरे साथ है। अब तू देखना, तेरी मित्यादी की बर्थडे पर मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगी और तब मेरी मित्यादी तेरे सामने होगी। आई प्रॉमिस। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं पायल से पहले भी मिल चुका और ये बात आप जानते हैं ना, तो फिर क्यों रोक रहे हैं? सदैव दुर्गा जी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, किसी को भी अलाउ नहीं है, और अगर आपने फोर्स किया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पिछली बार भी दुर्गा जी के ऑर्डर से हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस बार डॉक्टर आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन पायल से मिलने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढूंगा। मैं उसे आज से नहीं जानता हूँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, और आप है कि I'm sorry दे, लेकिन क्या करूं? हम दोनों रेल की उन पटरियों की तरह हैं, जो एक साथ चलती तो है लेकिन अलग अलग, मिलती कभी नहीं है। और इस सफर में तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि हम कभी ना मिलें। जिस नित्या से तुम प्यार करते हो वो मेरे अंदर मर चुकी है, दफन हो चुकी है, और जब तक पायल को इंसाफ नहीं मिलता तब तक नित्या दोबारा पैदा कभी नहीं हो सकती। मैं मिलकर चाहे कुछ भी हो जाए करता, आई वॉन्ट गिव अप। सारे इंतजाम हो चुके हैं आलोक, आकाश तुम्हें पिकअप करवा लेगा और टाइम से वेन्यू पे पहुंचा भी देगा। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, शादी झूठी ही से लेकिन दिखनी चाहिए असली से भी सच्ची। और मेरी हिदायत तुम्हें ये होगी कि साक्षी गोयनका की इंटेलिजेंस को तुम अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो गिद्ध की निगाह रखती है, उसकी आंखों से उसके कान से कभी कुछ बचा नहीं। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो डोंट वरी, सारी तैयारियां हो चुकी है, आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये शादी झूठ की एक मिसाल होगी, एक झूठ मूठ की शादी को इतनी रियलिस्टिकली किसी ने नहीं रचा होगा। गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। नमस्ते, अब मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते।
बाबा, शादी खत्म होते ही आप आलोक को शहर से दूर भेज देना, साक्षी गोयनका के पहुंच से बहुत दूर। सब प्लान कर लिया तुम। अरे आकाश आओ, चाय पियोगे? नहीं थैंक यू सर, हो जाए। वैसे तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। मेरे फोन करने के ठीक एक घंटे बाद जतिन रायमा के घर पहुंच गया, एक घायल शेर की तरह, इमोशनली वेरी डिस्टर्ब्ड। थैंक यू सो मच आकाश, आई जस्ट होप जैसा हमने प्लान किया हो सब कुछ बिल्कुल वैसा हो। आई एम श्योर। एक और बात दुर्गा, आज के बाद तुम्हारा आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको भी प्लान करना होगा, क्योंकि इसके बाद तुम गोयनका मैंशन में होगी तो तुम बाबा के कॉन्टेक्ट में रहना आकाश। अब से हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि साक्षी गोयनका की नजर हमेशा मुझ पर रहेगी। अगर उसे तुम पर जरा सा भी शक हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, और मैं नहीं चाहती आकाश कि तुम पर जरा सी भी आ जाए। साक्षी गोयनका इस खेल को खुल्लम खुल्ला खेलना चाहती है मेरे साथ, क्योंकि हम दोनों ये बात समझते हैं कि दुश्मन जितना करीब उतना फायदा होता है। सो बी रेडी आकाश, इस खेल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है।